Hello everyone, this is Karishma Suri. Today I am going to present you a topic of English grammar, that is sentence. Though it is a very long topic and that too an easy topic, but I am going to make small videos of it. ताकि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वीडियोज में इस पूरे टॉपिक को समझ पाए. ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आज की वीडियो छोटी होगी डजंट मीन कि आगे नहीं पढ़ाया जाएगा. ये जो टॉपिक है इसको मैं पार्ट्स में कवर करूंगी ताकि बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आए, या कोई भी इंसान जो इस टॉपिक को समझना चाहता है वो इसको अच्छे ढंग से समझ सके. सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर गोइंग टू स्ट्रेट टू द टॉपिक, दैट इज सेंटेंस. सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य. कोई भी बात जो हम आपस में करते हैं वो एक सेंटेंस के रूप में दूसरे इंसान को समझ में आती है. ठीक है, जैसे हम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं. When we communicate with each other, we express our thoughts. हम जो भी आपस में सोचते हैं, अपने दिमाग में जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, हम एक दूसरे तक उसको पहुंचाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. आपस में बातचीत के द्वारा जो है वो हम एक दूसरे तक अपने थॉट्स को क्लियर करते हैं. एंड आइडियाज थ्रू वर्ड्स विद टुगेदर मेक कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपस में एक साथ मिलकर पूरी बात समझाने में सक्षम हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. यहां से फिर से देखेंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको पढ़कर हमें किसी चीज का मतलब समझ में आ जाए पूरे ढंग से, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. आई होप मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर पा रही हूं. इसी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, जैसे दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है. ये पढ़ने के बाद ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज माय स्कूल, फोर वर्ड्स है मेरे पास, ये चार वर्ड्स इकट्ठे जुड़कर एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसको पढ़कर मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है. क्या समझ में आ रहा है, दिस इज माय स्कूल, ये मेरा स्कूल है. क्या ये मेरा स्कूल है पढ़ने के बाद कोई और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, नहीं. ये जो चार वर्ड्स है ये खुद में ही मीनिंग को समझाने में कंप्लीट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस, राइट. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूं. इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है. एंड में हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, और स्टार्टिंग जो है वो हम हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ करते हैं. जैसे थर्ड पॉइंट, आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ. ये एक और एग्जाम्पल है. राज इज रनिंग, राज भाग रहा है. रिया इज क्राइंग बिटरली, और रिया जो है वो क्या कर रही है, बुरे तरीके से रो रही है. तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग समझाते हैं, परिपूर्ण मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. अब अगले हम वीडियो में इसके पार्ट्स समझेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल. थैंक यू.